मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी हूँ जय माता दी के मंदिर में। दादा आपका नाम बताइए। नेमीचंद अग्रवाल। निबिचंद अग्रवाल जी, इधर मैं बहुत सुंदर मंत्र पाठ करता है। अभी तो पूजा चल रहा है माता जी का। आप थोड़ा माता जी का जो महत्व तो है ये मेरा चैनल में बताइए। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप बताइए ये माता जी का जो महत्व तो है वो बताइए, सब दर्शकों को बताइए, जो भी देखेगा मेरा चैनल जो जानता है ये माता जी। तो हम लोग यही जानते हैं कि जब जब ये धरती में अशुभ शक्ति का जन्म हुआ है तब तक एक शुभ शक्ति का जागरण हुआ है, और तब तब ये माता जी अपना जो वाहन है सिंहोराज उसको भेजता है वो अशुभ शक्ति को ध्वंस करने के लिए। और साथ ही साथ इधर में देख पा रहा है आप, कृष्ण भगवान का मूर्ति है और तब राम भक्त हनुमान भी है। और तब माता जी तो आविर्भव नहीं होता है, अपने वाहन सिंहोराज को भेजता है और हनुमान जी भी आता है, कोई भी रूप में आता है। आप बताइए क्या जानता है, थोड़ा बहुत बताइए। हम तो मंदिर में आता हूँ, श्रद्धा से आता हूँ। मंदिर में आने से आदमी को शांति मिलता है और मन हाँ पवित्र होता है। मन पवित्र होता है और यहाँ पर आने से बहुत लाभ मिलता है। ना, लाभ लोकसान नहीं है, क्योंकि देखिए जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। लाभ लोकसान का चिंता वही करता है जिसका मन में अगर कोई चाहत होगा। चाहत मतलब मुझको घर मिले, धन मिले। धन दौलत तो मिलता ही रहेगा, जब ऊपर वाला देगा तब छप्पड़ फाड़ के देता है। एक दरवाजा अगर बंद हो जाता है तो खुदा चाहेगा, खुदा वही है जो ईश्वर है, खुदा वही है जो गॉड है जिसको हम पर्वत जिक्र करते हैं, खुदा वही है जिसको हम गुरु नानक जी देखिए। गुरु नानक का भी मूर्ति है इधर में, क्योंकि माता जी सर्व धर्म का है। तो चाहत तो सबका ही होता है, क्योंकि ये कोड़ी युग है, इधर में कुछ भी हो सकता है। पर ये जो भक्ति है, ये भक्ति से कैसे पूजा होता है इधर में, आप ये बताइए। भक्ति में यहाँ नवरात्र के टाइम में, मतलब चैत के महीना में और आश्विन महीना में खूब यहाँ पर भीड़ होता है, भीड़ भीड़ होता है, पूरी लाइन से लोग आते हैं। पूरे लाइन से लोग आता है, क्योंकि माता जी, मैं बोला ही हूँ, एक ऐसा देवी है जो ये धरती को रक्षा करता है। वो माँ दुर्गा के ही रूप है, और क्योंकि हनुमान जी भी है उसके साथ। क्योंकि अब देखा है अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर हनुमान जी खड़ा था, इसलिए अर्जुन का रथ को कोई तोड़ नहीं पाया था। और उसका जो सामने था, जो रथ को चला रहा था, वो स्वयं परमात्मा था, माधव था, वो कृष्ण भगवान था। तो ये माता देवी परमात्मा का ही रूप है, आपको क्या लगता है? हाँ, हमको तो बहुत माता के प्रति पूरा श्रद्धा है, इसीलिए पूरा श्रद्धा है माता दी के, आता रहता है। हाँ, नवरात्र में स्वार्थों पे काम करता है, माता दी का मंत्र उच्चारण करता है, माता जी का आरती करता है, सब कुछ ही करता है। इनका दुकान भी है, आप बोल दीजिए कीप सब्सक्राइब, बी लाइक, बी शेयर, बोलिए कीप सब्सक्राइब, बोलिए कीप सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बोलिए, सब टाइप सब्सक्राइब। माता दी का मंदिर से ये दादा बोल रहे हैं, सब्सक्राइब, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी देख रहा है माता दी का मंदिर में आइए, और ये मंदिर का जो महत्व है इसको दुनिया में प्रकट कीजिए। थैंक यू।